नमस्कार, मैं सुनीली जानी पवार प्लेनेट उसोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ यहाँ आई हूँ और हम काफ़ी भाग्यवान हैं कि फिर से हमें इनके साथ बात करके रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई मेंटर और मैंने जो भी ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की है, जो भी कर रही हूँ, उसमें उनका बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री भाग्येश त्रिवेदी जी का प्लेनेट टू सोल चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते भाग्येश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छा हूँ। आप सभी को मेरे हृदयपूर्वक बहुत ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की प्रगति हो, आपकी चैनल भी यशस्वी हो और आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। तो दोस्तों और सर, आज मेरे मन में कई समय से ऐसा विषय चल रहा था कि हम हमेशा पारंपरिक ज्योतिष, यानी कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बोलिए, वैदिक ज्योतिष बोलिए, उसके बारे में हम हमेशा बातें करते रहते। और मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि लोग जब पारंपरिक ज्योतिष की बात करते हैं, उस वक्त आत्मा कारक, अमात्य कारक, इस ग्रहों का भी उनके मुँह से उल्लेख होता है। या तो कभी मैं इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, उसमें भी कई जगह पर ऐसा होता है कि इनका तो आत्मा कारक ग्रह ये है। फिर बाद में जब अध्ययन किया थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो पता चला कि ये जैमिनी सूत्रम के अंतर्गत ये सभी बातें आती है, जिसको जैमिनी सूत्रम करके जो, जैसे आपने कहा, श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी ने उनका अनुवाद करके पुस्तक लिखा है। और उसके अलावा भी BPHS यानी बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी एक विभाग जो है वो जैमिनी का विभाग, पाराशर ऋषि ने उसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन आज दोस्तों हम यहाँ सर से ये बात करने वाले कि ये जो चर कारका है, इसे चर कारका क्यों बोला गया है और जैमिनी सूत्रम में चर कारक दशा या तो चर कारक, इसका क्या महत्व है सर, आप वो समझाइए हमें। अच्छी बात है सुनील जी, जो आपने ये पॉइंट छेड़ा है वो। वैसे तो जैमिनी ऋषि ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी ने जैमिनी सूत्रम एक ग्रंथ लिखा है। तो ये आपने बताया कि आत्मकारक, अमात्य कारक, ये सब क्या है, चर दशा क्या है। वैसे तो आजकल जमाने में ऐसा है कि पाराशर्य ज्योतिष में हम जन्मपत्री में पढ़ते हैं कि ये नित्य कारक ग्रह है, नित्य कारक ग्रह इसे बोलते हैं कि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भातृ कारक है, तो वो सदाए नित्य मीन्स स्टेडी ऑलवेज होते ही है और वो सब हम जानते हैं और वो पाराशर्य पद्धति का एक भाग है और सभी पत्रिकाओं में बताया गया होता है कि ये, और बाद में इसको चर कारकों में भी वर्गीकृत किया होता है। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, लग्न कुंडली से देखना, चंद्र कुंडली से देखना, सूर्य कुंडली से देखना, वही में हमारा फलादेश समाप्त हो जाता है जी। इसलिए ये जो कारक है वो पाराशर और जैमिनी दोनों ऋषियों ने कारकों के बारे में कहा गया है। खासकर तो ज्यादा पाराशर ऋषि ने नित्य कारक और अनित्य कारक दोनों के बारे में भी बोला है और जैमिनी ऋषि ने तो काफ़ी संशोधन करके उसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन जैमिनी ऋषि की बात यही है कि जो नित्य कारक हमारे पाराशर्य ज्योतिष में है, इससे ज़्यादा चर कारकों का महत्व ज़्यादा दिया है और इसी से फलादेश करने का ढंग बताया है। इसीलिए चर कारकों से फलित करना ये एक बहुत अच्छी बात है। वो चर कारकों के बारे में ऐसा है कि कोई इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन सब ज्योतिषी इस जमाने में जानते हैं, जैसे कि चर कारक मीन्स कि वो ऑलवेज स्टेडी नहीं है। जैसे कि सूर्य है,
तो वो पिता का कारक है और आत्म कारक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब लोगों के लिए ही है जी। तुम्हारी कुंडली में भी आत्म कारक वो सूर्य है, मेरे कुंडली में भी है, लेकिन जैमिनी ऋषि इससे डीप में जाते हैं और सब लोगों का वर्गीकृत करते हैं ग्रहों के डिग्री के हिसाब से, और सबका जो कारक है वो बदल जाते हैं। सोचिए कि मेरी कुंडली में मंगल है वो भातृ कारक हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से नहीं हो सकता है जी। मीन्स के नॉट ऑलवेज, इसलिए चर कारक होते हैं वो बदलते रहते हैं, और हर पत्रिका में और हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग कारक होते हैं, और इससे फलादेश होता है। तो वही जैमिनी ऋषि ने चर कारकों से कैसे फलित करना, वो उसकी जैमिनी ऋषि की देन है हमारे ज्योतिष में। तो इसका मतलब सर ऐसा है कि चर यानी हमेशा गतिमान रहने वाला, तो बदलते रहते हैं। तो जैसे मेरी कुंडली में अगर सबसे अधिकतम डिग्री वाला अगर कोई प्लेनेट है, फॉर एग्जांपल कोई मेरे चार्ट में अगर 24 डिग्री का कोई सर प्लेनेट है, समझो कि मंगल ले लेंगे, तो मंगल अगर पूरे प्लेनेट्स में जितने भी ग्रह है उसमें समझो 24 डिग्री का मंगल है, तो उसे सबसे पहले स्थान हम देंगे, इसका मतलब ऐसा हो गया। जैमिनी ऋषि जी ने चर कारकों के लिए बात की है, वो पाराशर भी सम्मत है, और दोनों चर कारक के बारे में बताया गया है कि भाई हमारी पत्रिका में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह होता है, इसे आत्मकारक कहते हैं जी। बाद में इससे कम अंश वाला ग्रह इसको अमात्य कारक कहते हैं, इसके बाद में जो ग्रह कम डिग्री वाला हो तो इसे भातृकारक कहते हैं, बाद में इससे कम डिग्री वाला ग्रह हो तो मातृकारक कहते हैं, इसके कम डिग्री वाला ग्रह हो तो इसको पुत्रकारक कहते हैं, बाद में कम डिग्री वाला ग्रह को ज्ञातिकारक कहते हैं, और लास्ट में जो डिग्री का होता है सबसे कम डिग्री का, इसे दाराकारक कहते हैं। इस प्रकार सातों कारकों को उसने विभाजन किया है। कई बार ऐसे ग्रह होते हैं कि किसी को समान अंश वाले ग्रह होते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसलिए जैमिनी ऋषि और पाराशर ऋषि दोनों सम्मत है कि कम कला से देखना चाहिए कि किसकी कला ज्यादा है और किसकी कला कम है, इस हिसाब से गिनना चाहिए। मतलब सर एक एग्जांपल की तौर पर अगर बोला जाए तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मंगल अगर किसी की कुंडली में 24 डिग्री 20 कला का है, हाँ। और उसके साथ में अगर बुध भी प्लेस है, हाँ, या तो फिर शुक्र है और वो भी अगर 24 डिग्री 21 कला का है, तो शुक्र उससे आगे आ गया थोड़ा, तो हम शुक्र को हम आत्मकारक ग्रह मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपका करना है मंगल बुध और शुक्र का अंश कितने हैं, मंगल का 24 अंश आपने बताया, तीनों समझो 24 डिग्री के ही है, हाँ, तीनों 24 डिग्री है, हाँ। तो कला से देखेंगे, हाँ। कि सबसे ज्यादा कला वाला ग्रह हो वो आगे रहेगा, आत्मकारक रहेगा, कम कला का वाला ग्रह है वो अमात्य कारक रहेगा, इसके बाद में भातृकारक रहेगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक कला से अगर वो ग्रह आगे है तो हम उसे आत्मा कारक बोलते हैं, तो उस मनुष्य के जीवन में जैसे शुक्र ये जो हमने चार्ट जो बोल रहे हैं, तो शुक्र अगर आत्मा कारक बन गया तो इसका मतलब ऐसा है कि उनके पूरे जीवन में शुक्र प्रधानता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक कला से ही वो ग्रह सिर्फ एक कला से आगे है, और मंगल भी उतना ही है, हालांकि बुध भी उतना ही है, हाँ बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति में शुक्र मंगल बुध तीनों के गुणधर्म है, लेकिन शुक्र का गुणधर्म ज्यादा रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। वैसे मैं भी जब ये सब ज्ञान लेता था तो तुम्हारी तरह मुझे भी सवाल होते थे जी, लेकिन प्रैक्टिकली आई ऑब्जर्व इट कि जो ऋषि मुनियों ने बोला है वो सही है। वो हम बात करते हैं कि सबसे अधिक अंश वाले ग्रह, तो सबसे अधिक अंश वाला ग्रह है तो आप तो ज्योतिष जानते हैं, तो शनि है, वो सोचो कि 29 डिग्री 28 डिग्री पर,
तो 15-15 दिन रहता है। तो आप सोचिए कि इसमें जो भी लोग जन्मे होंगे वो सब कुंडलियां में आत्मकारक ग्रह शनि ही बनेगा, सीधी सी बात है, और बाकी के ग्रह रहेंगे। तो बाद में क्या है इसके बारे में कि सही रूप से उसको डीपली देखना चाहिए कि नवमांस क्या है, नवमांस बदल जाता है, या तो इसके ऐसे केसों में वो नित्य कारक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मकारक से ही सब देखना चाहिए या चर कारकों से भी देखना चाहिए। वैसे जब हम कोई भी निर्णय लेना है तो जन्म पत्रिका से बहुत मेल नहीं खाता है, तो चंद्र कुंडली से देखते हैं, सूर्य कुंडली से देखते हैं, बाद में भाव भावेश भी देखते हैं, वैसे नित्य कारक का भी सोचते हैं, भावों के भी कारक होते हैं ना, उसका भी हम निर्णय मायना रखते हैं कि जैसे कि प्रथम भाव का तो सूर्य कारक है, दूसरा का गुरु कारक है, तीसरे भाव का कौन है मंगल है, चतुर्थ का चंद्रमा है, पंचम का गुरु है, षष्ठ का मंगल है, शुक्र जो ये है वो सप्तम का है, अष्टम का शनि है, नवम का फिर से बाद में गुरु बनेगा, दसम भाव का सूर्य और बुध दोनों ही माने गए हैं और मंगल को भी बोला गया है, कई लोग मानते हैं, लेकिन मैं कर्म भाव में सूर्य को ही मानता हूँ और बाद में सब्सिडरी बुध को ले सकते हैं क्योंकि वो व्यापार धंधा का भी कारक है। इसलिए 11वां स्थान का फिर से भाव कारक जो नित्य पाराशर ने माना है वो गुरु है, और दसम स्थान का तो सब जानते हैं शनि ही है, वैसे नित्य कारकों का सोचते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में चर कारकों में ऐसा है तो नित्य कारक से भी सोच सकते हैं ना, इसमें ऐसे केस में नित्य कारक लेना चाहिए कि भाई सूर्य है तो सूर्यम से पिता का भाव, सूर्य आत्मा कारक है तो सूर्य से नवम भाव पिता का, चतुर्थ भाव चंद्र से तो माता का भाव, ऐसे भी देखना चाहिए। लेकिन ज्योतिष में कोई जो फॉर्मूला है और बताए गए हर चीज़ है वो कोई क्या बुरी नहीं है या तो नाकाम नहीं है, सब सही है अपनी जगह, लेकिन 70-80% रिजल्ट देती है। तो ऐसे केसों में क्या है, सबसे अधिक अंश वाला को मैंने प्रैक्टिकली देखा तो सही होता है कि एक एक कला का भी फर्क होता है, तो जो आत्मकारक होता है वो आत्मकारक ही होता है, बाद में एक ही कला या दो कला कम हो तो इसको अमात्य मानने का अपने को आया है डिसीजन में, तो वो अमात्य कारक देते हैं इसको हम, तो भी सही पाया गया है। इसलिए अंश नहीं है तो कला से भी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन कला कम है तो भी कला के बाद में भी ले सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि को उन्होंने तो पूरा अध्याय या तो सूत्र में लिख डाले हैं, हम तो सिर्फ उसका अनुवाद पढ़ते हैं या तो उसके बारे में जो जानकारी हमें जो भी पुस्तकों के द्वारा मिल जाती है वो हम ले लेते हैं, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था चर कारका के पीछे, क्योंकि उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जैसे आपने अभी नित्य ग्रह के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे भृगु ऋषि ने नाड़ी को बहुत ज़्यादा महत्व दे के उन्होंने उसमें एज फैक्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है नाड़ी में, कि ये उम्र में इस व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटित हुई होगी, या तो गुरु की साइकिल देखते हैं वो लोग कि चौथी साइकिल पांचवी साइकिल। इसी प्रकार जैमिनी ऋषि के उसका कंसेप्ट का महत्व क्या है और उसकी रियलिटी यानी कि उसका जो फलित है वो कितना पावरफुल हमें देखने मिलता है चर कारक की। अच्छा, और दूसरा चर कारक की दशा भी होती है। हाँ, चर कारक की दशा भी होती है, तो उसको हम कैसे जानेंगे? चर कारकों की दशा ऐसी अलग होती है, विषोन्तरी जैसा दशा वो बहुत समय लेगा, वो एक बार डिस्कशन करेंगे। चर कारकों जैसी चर दशा होती है, और वो जैमिनी ने जैसे कि हमारे पराशर में शास्त्र में जो ग्रहों की दशा होती है या तो नक्षत्र के स्वामी की दशा होती है, वैसे हर राशियों की दशा होती है और उसे चर दशा कहते हैं, वो एक बार देखेंगे तो समय मिला तो। लेकिन चर कारकों का आज का विषय हो और चर दशा पर जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है सर? नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, यही मुझे पूछ। चर दशा है वो पूरी राशियों पर होती है और चर दशा बहुत इफेक्टिव होती है, जैसे कि हम मानते हैं कि विश्वंतरी इज अ किंग,
विसोंत्री दशा राजा है तो चर दशा है ना वो रानी है, इतना रिजल्ट देती है। मीन्स कि चर दशा प्रैक्टिकल से देखा जाए तो बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन सब राशियों पर होती है। अच्छा, और चर कारकों का सर जो दशा रनिंग में है उससे कोई कनेक्टिविटी, हम लोग सिर्फ आत्मा कारक जैसे हमने बोला तो उसी प्रकार उसको महादशा से जोड़ना है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं जोड़ना है। जैसे हम कारक पाराशर में देखते हैं प्रथम भाव का मैंने, तो हमारे फलादेश में हम कारकों का, नित्य कारकों का ऐसा उपयोग करते हैं कि भाव, भावेश और कारकों का और इसके स्वामी का जो स्थान का जैसे फलादेश करते हैं, उसी तरह ये जो चर कारक है जिसे अनित्य बोलते हैं वो हरेक की पत्रिका में अलग अलग होते हैं। और चर कारकों का जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आत्मकारक, अमात्य कारक, भातृकारक, मातृकारक, वो कौन ग्रह होता है और वो आपकी जन्म पत्रिका में कौन ग्रह होते हैं इससे फलादेश होता है। और जैमिनी ऋषि ने जैसे बताया है वैसे आत्मकारक ग्रह पर बहुत ज़्यादा वजन दिया है। जैसे कि हम फलादेश में लग्न का, आजकल के जमाने में लग्न का उपयोग करते हैं और लग्न से फलादेश करते हैं, बाद में हम चंद्र कुंडली की भी प्राधान्यता कई लोग देते हैं, सूर्य कुंडली से भी देखते हैं। इसे ज़्यादातर हम 5-10 मिनट का जो भविष्य कथन करते हैं इसमें तो लग्न कुंडली ही मानते हैं और देख लेते हैं, तो इसमें कई बार भूल होती है और हम ज्योतिषी लोग गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सब 3-4 जगह से एंगल पर से देखा जाए तो बहुत भविष्य कथन में सटीक आता है। ऐसा कहा गया है कि चर कारकों से देखता हुआ जो दैवज्ञ है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो बाद में चर कारकों के विश्लेषण में जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आत्मकारक को ही दिया है। जैसे लग्न और लग्नेश का इम्पोर्टेंट पराशर में है और भावों का इम्पोर्टेंट है, ऐसा आत्मकारक ग्रह के बारे में जैमिनी ऋषि ने वजन दिया है, वेटेज दिया है। और बाद में वहीं से जो मेन आत्मकारक है वो राजा है। आत्मकारक ग्रह से सब कुछ देखा जाता है, भले वो राहु केतु हो। आत्मकारक ग्रह इसे कहते हैं कि हमारी कुंडली में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह वो नवांश कुंडली में कौन सी राशि के अंश में है उसको आत्मकारक व्रत लेना है, और नवांश कुंडली से इसको ग्रह जो क्रमित होते हैं वही बना के इसको कारकांश कुंडली बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक ग्रह कौन हुआ, अंश वाला जो आत्मकारक ग्रह। तो आत्मकारक ग्रह पर से ही तुम सब कुछ फलित कर देते हो, अभी आगे जाने का ही नहीं है। जैसे कि किसी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह बलवान हो गया तो सब सुख मिलेगा, माता पिता, धन संपत्ति। और जो आत्मकारक ग्रह निर्बल हो गया, षडाष्टक में गया, षष्ठ अष्टम भाव में गया, या तो बलवान नहीं हुआ, उच्चादि वर्ग में नहीं हुआ, जैसे कि स्वगृही उच्च का नहीं हुआ, नवांश में केंद्र त्रिकोण का नहीं हुआ, तो निर्बली हो जाता है। और जो सब कुछ आत्मकारक ग्रह से मैं तो देखता हूँ, और आत्मकारक ग्रह से सही फलादेश कर सकते हैं, इसका प्लेसिंग पर से ही आगे जाने का ही नहीं है। इतना अच्छा आत्मकारक ग्रह से प्रैक्टिकली रिजल्ट मुझे मिले हैं। बाद में आत्मकारक ग्रह से दूसरे पादान पर कौन सा ग्रह आएगा, अमात्य कारक, बाद में भातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक और लास्ट में दाराकारक। वो ग्रहों का प्लेसिंग आत्मकारक ग्रहों से कौन सा रिश्ता है, जो वो सुख उस कारक के नाम के हिसाब से हमें मिलते। और आत्मकारक ग्रह और ये चर कारकों के बारे में भी जैमिनी ऋषि ने कई रूल्स बनाए हैं फलित के लिए, कि जैसे हमारे भाव कारकों के लिए होता है,
वैसे ही चर कारकों के लिए भी देखा जाता है कि चर कारक है आत्मवत ग्रह, सोचो कि वो कौन से भाव में पड़ा है, उसका भावेश का कौन से भाव में पड़ा है, वो केंद्र त्रि षड्यादीश में गया है। इसके साथ जो अमात्य कारक पुत्र कारक ग्रहों का केंद्र त्रिकोण में रहना सबसे अच्छा है, वो कारकों का एक दूसरे के साथ जैसे हम सूर्य चंद्र का जैसे पाराशर में देखते हैं, वैसे ही केंद्र त्रिकोण भाव का बलवत्ता से ही इसका मूल्यांकन होगा। बाद में जैसे हम पराशर में देखते हैं कि उसका नवांश में कितना बल मिला है, तो ये आत्मकारक ग्रह हमारे D1 जो जन्म पत्रिका है इसमें परिस्थिति क्या है और नवांश में क्या है, दोनों में अगर वो बलवान हो गया, वर्गोत्तम हो गया, केंद्र में होगा, इसका जो अधिपति होगा, या तो हम क्या देखते हैं कि पाप कर्तरी योग, लेकिन आत्मकारक या कोई भी कारक ग्रह जब दो पाप ग्रहों के बीच में भी जो बलवान हो गया है तो भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए फलित में जैमिनी ने चर कारक के बारे में भी अलग अलग फलित के बारे में रूल्स बनाए हैं, लेकिन वो जैसे पाराशर में है वैसे ही भाव बल से कारकों का देखते हैं, वैसे ही इसमें देखने का है आत्मकारक कौन ग्रह बलवान होता है। मैंने पाया है कि आत्मकारक ग्रह से अमात्य कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण या तो त्रि एकादश स्थान में कारकांश से मीन्स की नवांश से, या तो D1 में भी देखो जन्म पत्रिका में भी जो आत्मकारक ग्रह है उससे अमात्य कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में होता है तो वो बहुत बली होता है और आदमी एकदम सरलता से प्रगति जीवन में करता है। और जो ये इन बताए गए ग्रहों का ट्यूनिंग आत्म अमात्य ग्रहों का है वो निर्बल है, त्रिकोण भाव में नहीं है, षडाष्टक में गया है, तो निर्बल रिजल्ट मिलते हैं और आदमी सही प्रगति नहीं करता है और जीवन में बार बार क्या दिक्कतें होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और हम लोग बाद में बोलते हैं कि ये तो मेरा शनि स्वगुरुई है और शनि की दशा केंद्र में है तो भी नहीं आया, लेकिन देखना पड़ता है कि वो कौन सा चर कारक में कौन सा इसका स्थान है। चर कारक में वो शनि दारा कारक हुआ है, शनि नीच का है किसी को, लेकिन नवमांश में वर्गोत्तम हो गया है, सोचो तुला का हो गया है, लेकिन तो भी बोलता है कि मेरी दशा अच्छी नहीं गई है। अरे भाई आप भौतिक जगत से देखता हो, लेकिन इसमें यदि शनि दारा कारक हो गया है तो नवांश से तो बल मिला इसको उच्च सा, तो इसको रिजल्ट कौन सी चीज में अच्छा मिलेगा, दारा में उसको पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, तो वहीं से इसका रास्ता निकलता है। तो कई बार कारकों से भी फल किया करे और वो इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो ऐसा मैं मानता हूँ। सर अगर हम लोग बेसिक चीज की यानी विश्लेषण की बात करेंगे तो हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आत्मा कारक किसे, जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाले अंश वाला जो ग्रह है कुंडली में हाँ। वो आपका आत्मा कारक हो जाता है। आत्मा कारक यानी कि आपकी आत्मा यानी आपका पिंड जो आप यहाँ पृथ्वी पर लेकर पैदा हुए हो, तो वो आत्मा यानी कि आपकी बेसिक कैरेक्टर्स, या तो जैसे हम लग्न देखते हैं किसी का, जैसे नित्य कारक आपने जो बताया उसमें हम लोग लग्न देखते हैं, तो आत्मा कारक से हमें उस व्यक्ति का क्या देखना है, उसी तरह अमात्य कारक से क्या देखना है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जैसा नाम है वैसा ही उसका विश्लेषण है, तो सर हमें शॉर्ट में भी इसके बारे में भी बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चले कि इसका एग्जैक्ट फ्रूट हमें कहाँ देखना है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो पूर्ण आध्यात्मिक बेज पर बनाया गया है और उसका आध्यात्मिक के साथ बहुत कनेक्शन है। तो आत्म कारक ग्रह मीन्स कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा जो कोई भी अवतार हो, मनुष्य का हो या प्राणी का हो कोई भी, लेकिन
आत्मा का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आत्मा ही सही है और इसके लगा हुआ जीव उसकी ही सब साइकिलें हैं जी। तो जैमिनी मुनि मानते हैं कि सइष्ट बंधन मोक्षयो, मीन्स कि आत्मा ही सब बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आत्मा है वो राजा है और ये इसका सब प्रधानमंडल है, और आत्मा के साथ जो कार्मिक साइकिल है हमारी, इसके साथ जो कर्म के बंधन से जो कुछ अच्छे सुख मिलने वाले हैं, बुरे सुख मिलने वाले हैं, वैसे हमारे पत्रिका में अंश वाइज ग्रह इकट्ठे होते हैं, और इन्हीं का सुख हमको कैसे मिलेगा, पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, हम आत्म कारक ग्रह बलवान है तो हम राजा जैसे होंगे, तो प्रधान का सुख या तो एडवाइजर कौन है वैसे ही राजा चलता है, तो ये सब सुखों का कैसे मिलेगा हमारे जीवन में, वो हम पराशर ये पद्धति में खो जाते हैं ऐसे सुखों को ढूंढने में, तो यहाँ बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पुत्र के बारे में सोचना है, किसी की कुंडली में गुरु उच्च का है तो पराशरीय ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि पुत्र कारक गुरु उच्च का है तो पुत्र का सुख मिलेगा, लेकिन चर कारकों से देखा जाए तो वो कुंडली में गुरु जो पराशरीय पद्धति में नित्य कारक से पुत्र कारक माना गया है, लेकिन वो कुंडली में धारा कारक होता है तो उसको पत्नी का सुख मिलेगा, और पंचमेश अशुद्ध होगा या तो निर्बल होगा तो मान सकते हैं कि उसको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ जी कि मेरे पास एक ही पत्रिका है, उसका बर्थ डेट है 25 जनवरी 1956, दिल्ली में जन्म हुआ है, और 17-24 शाम का उसकी पत्रिका है। कर्क लग्न है, कर्क लग्न में गुरु द्वितीय स्थान में है, मंगल राहु और शनि पंचम स्थान में है, रवि बुध सप्तम स्थान में है, और शुक्र अष्टम स्थान में है, और चंद्र द्वादश भाव में है, और केतु 11वें भाव में है। तो अब ताराशरी पद्धति से देखें तो मंगल राहु और शनि वो पंचम स्थान में आ गए, तो आप बोलेंगे कि पंचमेश मंगल तो दूषित हो गया, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो उसको पहले नज़र से देखते हैं तो उसको पुत्र का सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की भी दृष्टि नहीं है, क्योंकि गुरु तो दूसरे भाव में बैठा है, और केतु 11वें स्थान में है, तो कोई शुभ ग्रह की ऐसी कोई चीज नहीं कि हम पुत्र का सुख मिले इस जातक को, लेकिन इस जातक को पूर्ण पुत्र का सुख मिला है। अब कारक से देखे पाराशरीय ज्योतिष में तो भी यहाँ बुध है तृतीय भाव का अधिपति, और वो सूर्य के साथ बैठा है, शनि की राशि में है, इतना बलवान नहीं है, तो हम मानेंगे कि भाई इसको भातृ कारक है, तो मंगल देखे नित्य कारक से देखा जाए तो मंगल भातृ कारक होता है, वो भी राहु शनि के साथ पंचम भाव में है, तो इसको भाइयों का सुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस जातक को मिला है। तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये चर कारकों पर से फलित पद्धति से इसमें मुझे सही जवाब मिल गया। तो इसकी डिग्री वाइज से आप चर कारक में उसको ट्रांसफर कर दो तो इस पत्रिका में मंगल है ना, वो भातृ कारक है। अच्छा, वो पाराशरीय पद्धति में भी मंगल भातृ कारक था, लेकिन राहु शनि के साथ था तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको भाइयों का सुख मिला, भातृ कारक तो निर्बली हो गया था, लेकिन इस कुंडली में चर कारक में भातृ कारक आप डिग्री वाइज देखे तो इस कुंडली में जो शनि है वो ज्ञाति कारक है, और शुक्र है वो आत्म कारक है, बराबर अमात्य कारक बुध है, और भातृ कारक मंगल है, और सूर्य पुत्र कारक है,
चंद्रमातृ कारक है और दारा कारक गुरु का